नमाज पढ़ना भी हुजूर की अदा है, रोजा रखना भी हुजूर की अदा है, पर नबी पाक की जिस अदा ने सबसे ज्यादा लोगों को दीन के करीब किया वो तो माफ करना है, वो तो दरगुजर करना है। आप देखें कितने सारे लोग थे शिद्दत के साथ दीन की मुखालफत करने वाले, लेकिन अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का ये माफ करना उन्हें करीब ले आया। आज हमारे यहां माफ करने की कोई गुंजाइश है? हमारे दिल तो अपनों के लिए इस तरह सख्त होते हैं जिस तरह बेदबों के लिए होने चाहिए। अल्लाह आपको जजा दे। मैं ते सारी तकरीरी बगैर नारिया तो कर लेना जी, काम चल जाता है बगैर सुभान अल्लाह तो भी चल जाता है, बगैर नारिया तो भी चल जाता है। अल्लाह ताला आपके जज्बों को बहरहाल सलामत रखे। आपको शदीद गर्मी लग रही है, मुझे इसका भी एहसास है, और मस्जिद में जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा है तो उससे भी कुछ थोड़ी घुटन पैदा होती है। मैं जल्दी जल्दी अपनी बातें आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि दर गुजर करना भी हुजूर की सुन्नत है। ओ मेरे भाई, जहां तू कुछ सुन्नतों को बयान करता है, उनका इबलाग करता है, तो इस हुजूर की इस अदा पर भी तो अमल करना कि किस तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को माफ किया, हत्ता कि इकरमा भी नबी जहल, इस उम्मत के फिरौन अबू जहल का बेटा भाग गया था फतेह मक्का के मौके पर, उसकी अहलिया ने आके अर्ज की, हुजूर क्या मेरे खावन को भी माफी मिल जाएगी? और मेरे भाई, मेरी बात पे तवज्जो करें, अल्लाह आपको महंगे महंगे मोबाइल दे, कदी कदे छड़ने भी चाहिए ने। आप तो इसमें गुम थोड़ी हो जाना, हमने और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, थोड़ी तवज्जो करें मेरी बात पर, मैं आपसे कलाम कर रहा हूँ। और फिर जेड़ा बंदा मोबाइल चौके ऊंचा कर दे, उदा की ख्याल है दूजे कोई नहीं? आप जब ऊंचा करते हैं दूसरों को नजर नहीं आता, तो मेरे भाई अगर उसने भी निकाल लिया तो फिर तो सारी महफल में मोबाइल मोबाइल ही हो जाएंगे। और ये मोबाइल का मसला आजकल इस तरह जिस तरह गर्मियों में पानी का मसला होता है, एक बंदा एक गिलास पानी का पीता है तो दूसरे को देख के प्यास लग जाती है, इसी तरह जब कोई एक फोटो खींचता है तो दूसरे की टेंशन बढ़ जाती है, को भाई ये क्या हो गया, मेरी रह गई। आप तवज्जो करें, चंद एक बातें बड़ी जल्दी में आपसे अर्ज करनी। दरगुजर कर देना, माफ कर देना। इकरमा की बीवी ने आके कहा हुजूर मेरे खावंद को भी माफी मिल जाएगी, तो ये रसूल रहमत का आस्ताना है। हम ना माफी नहीं देते। एक बात कर बैठी थी बहू बेचारी कभी, उसको सालों गुजर गए, अब छोड़ दो उस बात को, भूल जाओ, उसने माफी भी मांगी थी, कर दो माफ। एक बात किसी मकाम पे हो गई थी किसी आदमी से, हो गई ना, बंदा था, निकल जाती है, अब कर दो दरगुजर उसे, कर दो माफ। लेकिन हम कभी पंचायत में बैठे तो सुलह कर लेते हैं, कहते हैं चौधरी साहब ने आख्या चलो मैं मान जाना, सुलह कर लेते हैं, पर माफ हम कहते हैं जब ये मेरे दांत के नीचे आएगा फिर मैं इसे देख लूंगा। माफ नहीं करते, सुलह कर लेते। अपनी जिंदगी में गुंजाइश पैदा करो, ये हुजूर की सुन्नत है, ये नबी पाक का उस्वा हसना है। सारी आदतें तो माँ बाप की भी पसंद नहीं होती, और अगर इस तरह तबीयत बना लोगे कि किसी को माफी नहीं देनी तो रिश्ते टूट जाएंगे, आगे कैसे बढ़ोगे। इकरमा की बीवी से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा मैंने माफ किया, उसने जाके नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम इकरमा को दिया, छुपा हुआ था, दौड़ा हुआ था, जाके कहा मुबारक हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तुझे माफ कर दिया है। तो वो सोच में पड़ गया, हम तो दुश्मन को भी पाकीजा सजा देते हैं, वो सोच में पड़ गया कि मेरी माफी कैसे हो सकती है, भला ये कैसे हो सकता है मेरे जैसे बंदे को माफी हो जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं, मैंने तो जुल्म ही बड़े किए, ज्यादतियां ही बड़ी की। वापस आके कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो सोच रहे कि मुझे माफी ये कैसे हो सकता है। कुर्बान जाए, ये मेरे और आपके नबी का तरीका है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया किस तरह उसे पता चलेगा कि मैंने माफ कर दिया, यानी इधर से यकीन दिलाया जा रहा है कि जा तुझे माफ कर दिया, यहां लोग हाथ बांधे खड़े होते हैं हम माफ करने को तैयार। बाज दीनी बंदा कहलाने वाले, दीनदार कहलाने वाले, फकीरी दरवेशी पर तकरीरें करने वाले, उनके मिजाजों में इल्ला माशाल्लाह घुटन आ जाती है।
समझ नहीं पाते ये कितना बड़ा मकाम है। विक्रमा ने जब कहा ना कि ये कैसे हो सकता है मुझे माफी मिल जाए तो कुर्बान जाए, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा उतार के दिया, फरमाया ये निशानी ले जाओ, उसे दिखा दो कि जा अल्लाह के रसूल ने तुझे माफ कर दिया है।